और अब बात करते हैं टी20 लीग की, जहां पर कल दो मुकाबले खेले गए जिसमें राजस्थान ने चेन्नई को और दिल्ली ने मुंबई को हरा दिया। 30 सेकंड की रिपोर्ट में दोनों मैच हुए, नतीजे दिखाते हैं। राजस्थान ने चेन्नई को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने राजस्थान को जीत के लिए 190 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे राजस्थान ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ को 101 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। बाकी दो मैचों में अगर राजस्थान जीत के साथ अपना रन रेट बेहतर कर ले तो प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रहेगी। दिल्ली ने मुंबई को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने दिल्ली को जीत के लिए 130 रनों का आसान लक्ष्य दिया था, जिसे दिल्ली की टीम ने 6 विकेट गंवा कर हासिल कर लिया। इस हार के बाद मुंबई की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है। टी20 में आज भी दो मुकाबले है। पहला मैच बेंगलोर पंजाब और दूसरा मैच कोलकाता और हैदराबाद के बीच में है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।